हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल्स टेक यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 29 अप्रैल 2020। आज 29 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। उससे पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस देश ने नाबालिगों की मौत की सज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब को किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात सऊदी अरब की हुई है तो मैं आपको मैप में सऊदी अरब दिखाता हूँ। यह है मैप में दिख रहा होगा आपको, यह है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की बात हुई है तो मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग को बता देता हूँ। सऊदी अरब की कैपिटल जो है वो है रियाद, और यहाँ की किंग जो है उनका नाम है सलमान। ये सलमान की तस्वीर है, यहाँ के किंग है ये। और यहाँ के क्राउन प्रिंस जो हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। आप जो चित्र देख रहे हैं वो मोहम्मद बिन सलमान की है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य सरकार ने अगले एक साल तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से अगले एक साल तक नई भर्तियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात अगर हरियाणा की हुई है तो मैं आपको हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और यहाँ के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। हाल ही में किस देश ने तियानवेन वन नामक मिशन रखा है? तो इसका सही उत्तर है हाल में ही तियानवेन वन नामक मिशन चीन ने रखा है। यह चीन का मंगल मिशन है जिसे उन्होंने पिछली 24 अप्रैल को नामकरण किया है। 24 अप्रैल चीन का अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाता है। चीन ने पहली बार अपना पहला मिशन जो लॉन्च किया था अंतरिक्ष में वो 1970 में किया था। इस वर्ष उसको पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। तो उन्होंने अपना मंगल मिशन तियानवेन वन नाम रखा है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग से प्रश्न। चीन इस मिशन को अगले वर्ष लॉन्च करेगा। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है वो दुनिया में अपनी सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यय करने वाला देश बना है। मैं टॉप 3 देशों के नाम आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। ये टॉप के 3 देश हैं जो अपने सैनिकों पर सबसे ज़्यादा विश्व में खर्च करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समय प्रस्तुत है, हाल ही में हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि आपको घर बैठे फल, सब्जियां तथा पका हुआ खाना इस मोबाइल के जरिए आप ऑर्डर करेंगे
वह आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद है जो भी व्यक्ति सर्दी खांसी की दुकान किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदेगा, सरकार इस ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति पर नज़र रखेगी। अब बात अगर आंध्र प्रदेश की हुई है तो मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। चित्र में आप आंध्र प्रदेश को देख रहे हैं, लाल रंग से प्रदर्शित है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती है और यहाँ के सीएम YS जगनमोहन जी हैं। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को एक मास्क बनाने के 11 रुपये सरकार देगी और हर महिला को प्रतिदिन कम से कम 200 मास्क बनाने होंगे। अगर बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। यह चित्र पे प्रदर्शित मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन। इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर का लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने अपने नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है मैसेंजर रूम। इस मैसेंजर रूम नामक फीचर के आप 1 से 50 तक व्यक्तियों को ऑनलाइन ग्रुप वीडियो चैट कर सकेंगे। हाल ही में एक खबर आई थी कि जूम ऐप अपना सारा डाटा चाइनीज सर्वर पर लॉन्च करता है, जिस कारण फेसबुक ने अपना नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है मैसेंजर रूम। फेसबुक, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। इनके फाउंडर जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग जी हैं। हाल ही में धन्वंतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है असम। असम ने हाल में ही धन्वंतरी योजना का शुरू किया है। इस योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी करने का सरकार का लक्ष्य है। अब बात अगर असम की हुई है तो मैं आपको असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनेवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। ये इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल। हाल ही में 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का आयोजन किया गया था। यह दिवस कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप लोगों को इस वर्ष की थीम याद करनी है रखनी है। इस वर्ष की थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। यह इस वर्ष की थीम है।
इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होगी? तो इसका सही उत्तर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस मल्टी लेयर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का युद्ध अभ्यास करना था, जो कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होना था। ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्ध अभ्यास को कोविड-19 के चलते इसको कैंसिल कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास की मेजबानी जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रहा था। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।